फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीम एडिची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधा शेर में कितने ग्राम होते हैं या फिर कितना किलोग्राम होता है, ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से कि कितना होता है, क्योंकि दोस्तों इसका हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक शेर में कितना वज़न होता है। एक शेर दोस्तों क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक शेर जो होता है आपका 933 ग्राम के बराबर होती है, जो कि लगभग एक किलोग्राम से, यानी एक किलोग्राम जो होती है जिसमें 1000 ग्राम होती है, एक किलोग्राम जो होता है जिसमें 1000 ग्राम होती है, जो कि लगभग कितना कम है, 67 ग्राम क्या है, कम है, 67 ग्राम कम है एक किलोग्राम से एक शेर में। और ये क्या है, पुराने ज़माने में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, आज भी लोग इसका कहीं कहीं पर इसका लोग यूज करते हैं कि एक शेर, सवा शेर, ढाई शेर में इतना गेहूं है, इतना चावल है, ये ठीक है। तो वही है, तो हम ये जानेंगे कि आधा शेर, हमें पता करना है कि आधा शेर में कितने ग्राम होते हैं। तो दोस्तों बता दूँ, आधा शेर के लिए हमें क्या करना होगा, एक शेर में जितने ग्राम होते हैं उसका आधा करना होगा। आधा कैसे किया जाता है, किसी भी संख्या के या किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए क्या किया जाता है, उसको दो भाग करना होता है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, दो से भाग दे देंगे। जब 933 को दो से जब भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो, दो चौका 8, एक बचा 13 हो गया, दो छक्का 12, फिर 13 दो छक्का 12, फिर आ गया 10, दसमलव लगाएं 2 5 10, 466.5 क्या हो जाएगा ग्राम। तो यानी कि आधा शेर में 466.5 ग्राम होते हैं, समझ गए। ये रहा इस सवाल का जवाब, आधा करने के लिए क्या किया जाता है, दो से भाग दिया जाता है, समझ गए। ये रहा आपका आधा शेर में कितने ग्राम होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।